हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन, आज एक्सरसाइज 6.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूं आपके सामने। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय श्री नेहरू। देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को लिख रखा है, यदि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ये पी क्यू पैरेलल है एस टी के और पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या चीज़ गिविन दैट है, सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे। एंगल पी क्यू आर दे रखा है 110 डिग्री, एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, एंगल क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है, एंगल क्यू आर एस का मान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने पहले ही बोल रखा है पी क्यू पैरेलल एस टी के, तो हम एक रेखा खींचते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं यहाँ पर, रचना। यहाँ पर देखिए जैसे ये है पी क्यू है, इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसको पूरे आगे तक ले जाते हैं ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ इन्होंने बोल रखा है, यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है पी क्यू पैरेलल है एस टी, तो हमने पी क्यू पैरेलल एस टी के समानांतर एक रेखा एस, यहाँ पर नाम दे देते हैं ए और बी, एक रेखा आर से होती हुई, एक रेखा आर से होती हुई ए बी खींची, जो पी क्यू और एस टी के समानांतर है, जो पी क्यू और एस टी के समानांतर है, ठीक है। बस जो भी कुछ है बस यही है। अब इसको करना कैसे है देखिए जरा, सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन डालता हूँ, हल। देखो एस, ये एक सीधी रेखा है एस आर, एस आर पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एस आर एक सरल रेखा है, ठीक है। अब एस आर पर बन कौन कौन से कोण रहे हैं, एक बन रहा है, एक सरल रेखा होती है तो वो ऋजु कोण बनाती है, 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं और एक सरल रेखा पर बनता है, तो इसको करेंगे एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी, समझ में आ रही बात मेरी, एंगल एस आर बी बराबर 180। देखिए जरा टी एस आर और एस आर बी, ये दोनों 180, 130 अंश का है एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी बराबर 180, एंगल एस आर बी बराबर 180 माइनस 130, ये आपका आ गया 100, ये आपके बचे 50, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री, ठीक। अब देखिए जरा इसको, ये आ गया 50, ठीक। इसी प्रकार सिमिलरली पी क्यू पैरेलल है ए आर के, ठीक है, तो यहां पर ए आर एक सीधी रेखा है, ए आर एक सीधी रेखा है, ठीक है, तो यहाँ बन रहा है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए बराबर 180, ठीक। पी क्यू आर की वैल्यू 110
और क्यू आर ए बराबर 180, एंगल क्यू आर ए बराबर 180 माइनस 110, ये आपका बन गया 70। ठीक है, अब देखो जरा, ये 70 निकाल दिए। अब यहाँ पर फोकस करने वाली ये बात है, ये 70 और ये 50 टोटल हो गया 120, हमें ये निकालना है। तो ए आर बी एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस का मान, ये लिखा है। तो देखो सीधी रेखा 180 इंच का बनेगा, 70 ये हो गया, 50 ये हो गया, ठीक है। तो 120 120 180 में से हम निकाल देंगे तो 60 अंश आ जाएगा। देखिए एक सीधी रेखा है, यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू आर ए धन एंगल क्यू आर एस धन एंगल एस आर बी बराबर 180। अब क्यू आर ए की वैल्यू है 70, क्यू आर एस की वैल्यू ज्ञात करनी है और एस आर बी की वैल्यू है 50 बराबर 180। तो केंगल क्यू आर एस 70 और 50 जुड़ के 120 बराबर 180। तो एंगल क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये 60। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन के माध्यम से अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो चैनल के माध्यम से कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र।